सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिंस एंड फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड सेप सीवी ड्राई सिरप के बारे में। सो गाइस, ये जानेंगे कि गुड सेप सीवी ड्राई सिरप के यूज़ क्या होते हैं, इसका डोज बच्चों में किस प्रकार से दिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं और मार्केट में इसके प्राइस क्या होते हैं। तो लेट्स वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें मिले हुए साल्ट के बारे में कि गुड सेप सीवी में कौन सा साल्ट होता है। तो गाइस, आपको बता दूं कि इसमें जो है सेफाडोक्सिम प्रोक्सटील पोटेशियम क्लाउलानेट मिला होता है। गाइस, बात करें हम इसके यूज के बारे में, तो यदि बच्चों को फीवर आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी जो है हम गुड सेप सीवी का जो है प्रयोग करते हैं। यदि बच्चों को लंग्स संबंधी डिजीज है, उनको जो है फेफड़ों में इन्फेक्शन है, तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन में भी गुड सेप सीवी का प्रयोग किया जाता है। यदि छोटे बच्चों में छोटे छोटे दाने आ गए हैं या फिर उनको चेहरे पर फुंसियाँ हैं या फिर उनके बॉडी में फुंसियाँ निकल आई हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है हम गुड सेप सीवी का प्रयोग कर सकते हैं। और गाइज, आपको बता दूं कि यदि जो है छोटे बच्चों में थायराइड संबंधी डिजीज़ है, यानी उनके जो है मुंह में अल्सर है या फिर जो है यूँ कहें कि उनको टॉन्सिल्स वगैरह हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और गाइज, गुड सेप सीवी ड्राई सिरप का यूज छोटे बच्चों में यदि उन्हें यूटीआई इन्फेक्शन है या फिर यूँ कहें कि उनको पेशाब मार्ग में किसी प्रकार का शोथ है, और गाइज यदि छोटे बच्चों में यूरिन प्रॉपरली पास नहीं हो पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में भी हम गुड सेप सीवी ड्राई सिरप का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, इसमें जो साल्ट मिला होता है सेफाडोक्सिम प्रोक्सटील, ये काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक मानी जाती है और इससे बच्चे में बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलने लगते हैं यदि उसे किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर फीवर आता है या फिर थायराइड संबंधी डिजीज़ है या फिर जो है उसको स्किन संबंधित रोग है, तो उस सिचुएशन में ये काफ़ी अच्छा वर्क कर देता है। बात करें दोस्तों हम गुड सेप सीवी ड्राई सिरप के डोज के बारे में, तो इसका जो डोज है वो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद में ही बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि इसका डोज हमेशा बच्चे के बॉडी वेट और उनके जो है एज पर डिपेंड करती है। और दोस्तों, बात करें हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो कुछ इसके नॉर्मली साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों को नोजिया होना, वोमिटिंग होना या फिर उनके बॉडी में जो है रेडनेस जैसा होने लगना, ये जो है इसके साइड इफेक्ट होते हैं, बट ऐसे साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।